हेलो गाइस वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो मेरा नाम है अपूर्व मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूं दो लैंग्वेजेस में इंग्लिश हिंदी दोनों के लिंक मेरे ओपन कमेंट वेस टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मैं शेयर करता हूं दिखाता हूं स्विंग ट्रेडिंग वीडियो इन इंग्लिश स्विंग ट्रेडिंग वीडियो इन हिंदी और काफी सारे और स्टॉक्स और डिस्कशन यहाँ पे होते रहते हैं इस तरीके से ठीक है और जितने भी अपडेट होते हैं जैसे टेक्स इंफ्रा करके एक स्टॉक था कुछ दिन पहले एनालिसिस करा था उसका और वो आज ट्वेंटी परसेंट सर्किट पे है डी लिंक जहां से एनालिसिस करा था मैंने वहां से पच्चीस परसेंट मूव आया है नलका शायद तीन दिन पहले एनालाइज करा था पांच परसेंट मूव और कल एक पॉपकॉर्न ट्रेड टाइप का आइडिया मैंने आप लोगों को सिखाया था थोड़ा सा बताया था उसके बारे में थोड़ी ट्रेड नॉलेज दी थी मैंने वो भी आज वो स्टॉक भी उस स्टॉक का नाम नहीं लूंगा मैं आप खुद होमवर्क करूँ जाके कौन सा स्टॉक था और खुद देखो जाके वो सब आपको टेलीग्राम में मिलेगा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है Right रिलीज होने वाला टेलीग्राम पे स्टेट यून फॉर दैट जो भी लोग नए हो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो उसको और स्कीप कर सकते हो कोई इशू नहीं है बट जो ओल्ड मेंबर्स है जो की एक हफ्ते पहले एक महीने पहले एक साल पहले से यहाँ पे है मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं देख रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं ठीक है तो उनके लिए ये स्पेशली है ठीक है जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली फॉलो करना चालू करा है ठीक है तो ओल्ड मेंबर्स के लिए इट तो विल बी रियली गुड एंड वो सब कुछ आ, सारी डिटेल्स सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे कल लॉन्च वीडियो में आ जाएगा तो टेलीग्राम फॉलो करना मत भूलना अगर आप ओल्ड मेंबर हो नए हो तो भी कर लो क्योंकि अपना एम 6700 सब्सक्राइबर का है लेट्स सेम फॉर 8080 लाइक्स फॉर दिस वीडियो 80 लाइक का टारगेट है चलो कौन सा स्टॉक मैं बताने वाला हूँ इस उसमें सो so, स्टॉक का नाम है टेक्स मैको इंफ्रा गाइस ठीक है मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ स्टॉक के दो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग ठीक है टेक्स मैको इंफ्रा ठीक है और आ, टेक्स मैको इंफ्रा और संगम ठीक है ये दोनों स्टॉक्स है जो आज हम लोग एनालाइज करेंगे ठीक है इनके बारे में डिस्कशन करते हैं ठीक है सबसे पहला तो टेक्स मैको इन्फ्रा में मुझे क्या दिख रहा है ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना गई? ये तो पैटर्न होता है अगर आप इसको ध्यान से देखो ये है कितने टाइम का पैटर्न ये यहाँ पे आया था तब से ये यहीं पे बना रहा है इसको ठीक है ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है मैं इसको छह हजार दिन का पैटर्न एक बोलना चाहूंगा सिक्स थाउजेंड डेज का सिक्स थाउजेंड डेज का पैटर्न सिंस टू थाउजेंड सिक्स ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है ठीक है ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है आप देख सकते हो कि कितनी बार ये एरिया हिट, हिट करा गया है फिर हिट करा गया है फिर हिट करा गया है फिर हिट करा गया है और अब फिर से हिट यहाँ पे किया जा रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो हर बार एक हायर लो बनता जा रहा है मार्केट में और इस लेवल को हिट करा जा रहा है एज सिंपल एज दैट तो मुझ एंटिसिपेशन एस की ये लेवल अब निकल जाना चाहिए यहाँ से ठीक है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एक एक किसी भी चीज को एक सप्लाई जोन को बहुत बार हिट करती है चीज ठीक है तो उसके ऊपर निकलने के चांसेस उसके हाई होते हैं और तब भी ना निकल पाए तो वो सीधा सपोर्ट पे जाती है बट यहाँ पे अगर आप देखो कि जब भी ये सपोर्ट पे जा रही थी देखो हिट कर रही है नीचे आई हिट कर रही सपोर्ट पे आई हिट करा सपोर्ट पे आया बट ये देखो हर बार सपोर्ट ऊपर बनता जा रहा है हायर बनता जा रहा है राइट सो इट्स अ रियली गुड ट्रेड क्योंकि हायर लोस बन रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है बाइंग जल्दी क्रिएट हो रही है मार्केट में ठीक है जल्दी बाइंग क्रिएट हो रही है मतलब कि स्टॉक गिरता है तो अक्यूमुलेशन जल्दी होता है स्टॉक गिरा और तुरंत अक्यूमुलेट करके पुश कर दिया ठीक है और यहाँ पे स्टॉक गिरा तुरंत अक्यूमुलेट करके पुश कर दिया फिर ऊपर आ गया मेरी स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है ठीक है बिकॉज मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया था आ, आप लोगों को याद होगा इस पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पे ठीक है एंड यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे थे आज के वॉल्यूम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है मतलब काफी टाइम से ये वॉल्यूम नहीं देखा गया ट्वेंटी वन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर हो चुका है एंड ये वॉल्यूम्स नहीं देखे गए थे और आज जाके ये वॉल्यूम देखा गया है सर्किट लगाया है स्टॉक ने आखिरी में जाते जाते और काफी अच्छे लेवल पे क्लोज भी हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक मदर कैंडल टाइप फॉर्मेशन भी किया है इसने यहाँ पे ये मदर कैंडल है जिसके अंदर इतनी सारी इनसाइडर बार्स थी ठीक है अगर आप नीचे से सपोर्ट लेवल क्रिएट करोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे ही सेट करके मतलब ब्रेकआउट दिया पीछे वाली ट्रेंड लाइन फॉलो करी और फिर हिट करा है टारगेट तो टारगेट बंद तो कंप्लीट हो गया है मैं ऑलरेडी इसमें 10% के प्रॉफिट पे चल रहा हूं स्टॉक पे बट अब क्या हो सकता है यहां से कि इट कैन गो इवन हायर वाई बिकॉज जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो मुझे लग रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो रहा है उसका, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊ इस तरीके से भी तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक हो रही है लाइन इट कैन बी कॉल्ड एज अभी इसे एक पार्शियल लाइन बोल सकते हैं एक हिडन लाइन बोल सकते हैं ठीक है बट जब ये कंप्लीटली एक मतलब एक बड़ी सी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो कहो अगले एक दो वीक तक अगली एक दो वीक तक ये इसका इफेक्ट दिखा सकता है बट हाँ ये भी हो सकता है कि अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो ये फिर अपने सपोर्ट को टच करेगा विच कैन बी हाफ ऑफ इट विच कैन बी दिस मच फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव फाइव तक भी क्योंकि एक हायर लो फिर से बन सकता है मार्केट में राइट वो भी हो सकती है चीज मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन सो या दैट विल बी इट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड जो दूसरी ट्रेड है वो है अपनी आ, संगम की ठीक है संगम इंडिया ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम की बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड है आप लोग देखो ये एक अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहा है फिलहाल तो ठीक है यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया फिर रेजिस्टेंस खाया ठीक है नीचे आगे कंसोलिडेट uh, करा डबल बॉटम बनाया ब्रेकआउट दिया डबल बॉटम का वो भी वॉल्यूम के साथ दैट मीन्स की एक प्रॉपर ब्रेकआउट है ठीक है अब हम लोग चलते हैं वीकली पे ही रहते हैं ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज पे जो कि है कि ब्रेकआउट करने के बाद देखो इसने कंसोलिडेट करा है कहाँ पे पिछले रेजिस्टेंस पे एंड ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन है ये इसको फॉलो कर रही है यहाँ पे तो ये कन्फ्लुएंस एरिया है ठीक है मतलब पीछे से एक रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है एक साइड हॉरिजोटल लेवल भी है दो चीजें हैं वॉल्यूम्स देखो फिर से पिकअप कर रहे हैं ठीक है ठीके? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इनक्रीज कर रहे हैं दैट मीनस की कोई प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस नहीं है ठीक है एंड साइडवेज जब मार्केट जा रही है तो वॉल्यूम डिप कर रहा है दैट मीन्स की परफेक्शन है मतलब परफेक्शन इन द सेंस की एक बुलिश मूवमेंट जो होता है उसको डिपिक्ट कर रहा है अब यहाँ पे एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल है जो कि ऊपर साइड पे बढ़ने लग रही है ठीक है अगर ये येलो लाइन जहां मैंने अलर्ट सेट करा है इसके ऊपर क्लोज करता है वीकली टाइम फ्रेम पे इट विल बी अ रियली गुड ट्रेड यहां तक के टारगेट्स भी हो सकते हैं बट यहां तक के टारगेट्स भी लिए जा सकते हैं

Uh, अपने हैशटैग हमारे रिपोर्ट में और रिपोर्ट कल आपको मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आप लोगों ने समझी चीजें इंजॉय करा वीडियो और जो भी लोग नए हो पुराने हो जो टेलीग्राम पे नहीं हो डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम वी आर एमिंग फॉर सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड सब्सक्राइबर है पहली चीज और दूसरी चीज uh, की कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिसका लॉन्च कल है वो टेलीग्राम पे उसका वीडियो अपलोड होगा प्रॉपरली ठीक है उसके बारे में बातें होंगी वो बहुत डिस्कशन होंगे बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले उन सब चीजों में सो so, अभी रिवील नहीं करूंगा मैं कल ही रिवील करूंगा ठीक है फिर कल परसों मतलब अगले दो तीन दिन, दिन बहुत बिजी होगा टेलीग्राम पे तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना ठीक है विल सी लोगों का कैसा रिएक्शन होता है एंड कितना पार्टिसिपेशन होता है ओके टू सी यू टुमारो ऑन टेलीग्राम एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक है फॉलो इट राइट नाउ एंड सी यू टुमारो इन न्यू वीडियो एंड हैव अ ग्रेट रेडिंग सेशन